हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रुपेश टेक। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसेंचर कंपनी के ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग अपडेट के ऊपर। जैसा आपको पता है कि एसेंचर कंपनी की जो है एग्जाम अभी चल रही है, कुछ लोगों का एग्जाम जो है कम्प्लीटली हो चुका है और कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी जो है एग्जाम की जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है वो नेक्स्ट प्रोसेस चल रही है। तो वैसे कैंडिडेट जिन्होंने अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है उन्हें जो है अपडेट आ रहा है, और वैसे बच्चे जो अभी कंप्लीट ही कर रहे हैं उन्हें भी अपडेट मिल रहा है। तो सबसे पहले जो है इनके यहाँ जो है आपका एग्जाम हो चुका होगा, एग्जाम होने के बाद जो है आपका अपडेट आ चुका होगा, आप एग्जाम पास कर गए होंगे तो आपको जो है नेक्स्ट स्टेप के लिए मेल आ चुका होगा। नेक्स्ट स्टेप जो है आपका कोडिंग राउंड हो चुका होगा, कोडिंग राउंड के बाद सिलेक्शन में जो है इंटरव्यू वगैरह का हो चुका होगा। जो अब अपडेट आ रहा है वो आप जो है आपका सिलेक्शन का अपडेट आ रहा है, सिलेक्शन मेल आ रहा है, और सिलेक्शन मेल में जो है आपको जो नेक्स्ट अपडेट है वो आपका डॉक्यूमेंट सबमिशन का है, और जो कि टास्क मेल के थ्रू आता है। ठीक है, तो जैसा आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें जो है एसेंचर कंपनी की तरफ से मेल आई है। उसमें इन्होंने मेंशन किया, डियर कैंडिडेट, ग्रीटिंग फ्रॉम एसेंचर, वी नोटिस दैट यू हैव नॉट सबमिटेड योर पेंडिंग टास्क और रिजेक्टेड टास्क ऑन टूल। टू इंश्योर योर स्मूथ रिक्वायरमेंट जर्नी, प्लीज गो थ्रू द टूल एंड अपलोड ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ऑन प्रायोरिटी बेसिस, गुड लक। ठीक है, तो वैसे कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनको अब जो है डॉक्यूमेंट सबमिशन का मेल आ रहा है कि आप जो है जितनी जल्दी हो सके वो डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए, जितने सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उसे सबमिट करें, जो टास्क दिया गया उसे कंप्लीट करनी है एसेंचर कंपनी की तरफ से। तो यदि आप सिलेक्टेड है, आपको मेल आ चुका है, तो आपको एज सून एज पॉसिबल आपको डॉक्यूमेंट को सबमिट करना है। जब आप पूरी डॉक्यूमेंट को सबमिट कर लेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाइड होगा। ठीक है, वेरीफाइड होने के बाद जो आपको मेल आएगा वो मेल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इसमें उन्होंने लिखा है, डियर कैंडिडेट, ग्रीटिंग फ्रॉम एसेंचर, वी वेरीफाइड ऑल योर डॉक्यूमेंट्स एंड आर इन द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग योर ऑफर लेटर, प्लीज वेट फर्दर कम्युनिकेशन फ्रॉम अस एंड कीप चेकिंग योर रजिस्टर्ड मेल एड्रेस और फर्दर अपडेट को फिल अप। ठीक है, तो जब आपका जो है पूरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा तो ये आपको मेल आ जाएगा। इसकी मेल के बाद जो है आपको ना ऑफर लेटर आएगा। ठीक है, ऑफर लेटर आएगा, तो ऑफर लेटर जनरेट होगा आपके लिए। ठीक है, तो ये जो मेल है आपको, आपको सबसे पहले जो है अपनी डॉक्यूमेंट को सबमिट करनी है। डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद वेरीफाई हो जाएगा, वेरीफाई का मेल आ जाएगा, वेरीफाई का मेल होने के बाद जो है आपका ऑफर लेटर जनरेट होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना, अपने मेल को हमेशा चेक करते रहना है ऑल मेल में जाकर, ताकि कोई भी मेल आपसे छूट ना जाए। ठीक है, तो जब आपका मेल ये चेक हो जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा तो नेक्स्ट जो है आपका ऑफर लेटर आ जाएगा, जिसमें यहाँ मेल से कॉन्ग्रेट्स ऑफर फ्रॉम एसेंचर। ठीक है, तो ये आपका ऑफर लेटर है जो आप पढ़ सकते हैं। दिस इज विथ रिस्पेक्ट बाई द अप्लीकेशन फॉर द शेड्यूल एंड रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये आपका ऑफर लेटर है जिसमें देख ली पूरी ऑफर लेटर है। ये ऑफर लेटर आपको जो है कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें जो है आपको उसके नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में जो है आपको बताया जाएगा, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा उसके बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपको एसेंचर कंपनी की तरफ से आएगा, और आपको जो है इसमें क्या करना है, इस ऑफर लेटर को आपको एज सून एज पॉसिबल जो है एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, एक्सेप्ट करने का टाइमलाइन भी होगा, अगर टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो हो सकता है कि ऑफर लेटर जो आपका है विथड्रॉ कर लिया जाएगा। तो जब भी आपको मेल आता है एसेंचर कंपनी की तरफ से आपको गो थ्रू करना है, गो थ्रू के बाद जो कहा जाता है उसे आपको करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो एक्सेप्ट करने का भी मैसेज आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे वी रिसीव्ड योर एप्लीकेशन ऑफ द ऑफर एक्सटेंडेड टू यू एंड एसेंचर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स, वी ऑल इन्फॉर्म यू टू आवर डेट ऑफ ज्वाइनिंग लोकेशन सून इन केस यू हैव एनी फीडबैक सजेशन। ठीक है, तो जब ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लेंगे तो ऑफर लेटर एक्सेप्टेंस का जो है एक आपका मेल आ जाएगा। इस मेल के थ्रू जो है अब आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो आपको DOG यानी डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रोवाइड करेंगे एंड आपका लोकेशन डेट प्रोवाइड करेंगे कि लोकेशन कहाँ पे होने वाले हैं और लोकेशन का टाइम भी है, कहाँ पे आपको शिफ्ट करनी है, ये चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी एसेंचर के द्वारा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है इसके बाद जो आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपका जो है यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे ऑफर लेटर के अपडेट के रिगार्डिंग जो आपका जो है ज्वाइनिंग डेट। तो ज्वाइनिंग डेट जो है ग्रेट एसेंचर प्रोग्राम 24th अगस्त 2023। तो ऐसे कैंडिडेट को जो है अभी 24th अगस्त 2024 को जो है 24th अगस्त 2023 को जो है ऑफर लेटर का अपडेट आया है कि आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो 24th अगस्त को है, और इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है सारी चीज़ें। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें कर लेनी है, जो भी चीज़ आती है सेंटर की तरफ से उन सारे चीज़ों को अपडेट करके रखना है। तो अपडेट में क्या है कि ऑनबोर्डिंग का अपडेट तो आ चुका है, जिन्होंने भी इनका प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है, तो 24th अगस्त 2023 जो है इनकी डेट ऑफ GOG है। जिनको अब तक अपडेट नहीं आया है उनको वेट करना है, आपकी प्रोसेस में लगी हुई है, धीरे धीरे जो है फेज वाइज सारे लोगों को ये अपडेट मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपने सारे एग्जाम क्लियर कर लिया, सारे चीज शेड्यूल हो चुका है, तो आपको जो है ऑफर लेटर जरूर मिलेगा और डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑनबोर्डिंग बहुत ही जल्द होने वाली है।
तो ये जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 24/7/2023 है, हो सकता है इसके बाद जो आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग आया सितंबर मंथ के आने वाले हो डेट में आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका एसेंशियल कंपनी का ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग अपडेट। इसके अलावा कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम, कोई इशू हो, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिएगा जो कि है रुपेश टेक के नाम से, यहाँ पे देख सकते हैं रुपेश टेक। इसे फॉलो करके आप डायरेक्टली मुझे डीएम कर सकते हैं, तो डीएम के थ्रू जो है आपका रिस्पॉन्स मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी हो, कोई भी इशू हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उसके थ्रू भी आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाद में कोई इशू हो तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड बाय बाय।